कि आने वाले समय में भी आप क्या क्या फेस कर सकते हैं क्या हो सकता है कौन आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में कौन अवश्य आते हुए दिखाई दे रहा है क्या आते हुए दिखाई दे रहा है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स प्लीज़ गाइड करें ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी थोड़ा सा मुझे एक जगह पे ना थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है कि इट इज़ फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ रिंकल्स 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 मुझे इतना तक महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो और चिंता के वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं बट वाई यू आर वरिड अबाउट किस बात का फिक्र है आपको आपको फिक्र है कि आप कुछ चीज़ों को आने वाले समय में सच साबित करने में तुले हुए रहेंगे वो तो है ही लेकिन आपको ये इस बात का डर जरूर है कि यहाँ पे देखो एक आई कैन फाइंड लाइक अ मारमेड विच इज फाउंड आई डू फाइंड कि आपको इस बात का डर है कि उस सच को साबित करने के लिए मे भी बहुत सारे लोग आपसे दूर हो सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं मे भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी सक्सेस के वजह से बहुत सारे लोगों की जो इंटेंशन है वो तो सामने आ जाएगा और आप देख के मे भी चौक जाएंगे कि आपके सक्सेस के वजह से बहुत ही मतलब क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं ठीक है कोई ऐसा भी हो सकता है जिनको आप बेहद चाहते थे वो भी जैसे आपका साथ नहीं दे रहा है बट जिसको साथ नहीं देना था जिसके ऊपर आपका उम्मीद ही नहीं था वो इंसान आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं सो यू मे गेट वेरी गुड फ्रेंड्स इन द फ्यूचर और यू मे लूज़ सम ऑफ द इविल फ्रेंड्स जो इविल तो है लेकिन आपके फ्रेंड्स बनकर बैठे हुए हैं देखो कितना सुंदर वे से यहाँ पे एक फ्लो जा रहा है और आ रहा है द लेटर एम अगर हम उल्टा करके देखें तो ये डब्ल्यू ही है सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट वाओ वो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ ऐसा होने वाला है जो आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था यहाँ एक बहुत बड़ा करके वी आ रहा है सो आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ ऐसे चीज़ों में आपके सक्सेस होना ही है जहाँ पे आपने बिल्कुल मे बी लेस इंटरेस्ट शो किया था पहले दफ़ा में तो दूसरा है आपको बिल्कुल भरोसा नहीं था उस प्रोसेस के ऊपर आपने करना था इसलिए आपने कर दिया लेकिन अचानक आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कस्टमर्स का क्लाइंट्स का ऑडियंस का उस चीज़ के ऊपर बढ़ रहा है और आपके आपने ऐसा ही कर दिया था एज अ पार्ट ऑफ योर हॉबी बट आपने देखा कि बहुत सारे लोग उसे सीख रहे हैं उसे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है उनके लिए अच्छा रिक्रिएशन फॉर्म भी बन रहा है सो यू विल जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्पल अगर आप डांस में हैं अगर आप सिंगिंग में हैं वो आपका शौक है फॉर एग्जाम्पल लेकिन आप उसको प्रोफेशन में बदलते हुए दिखाई दे रहे हो आपकी आंखें बहुत सुंदर है मुझे यहाँ पे दिख रहा है ठीक है और आपके आंखें जैसे लोगों के लिए वो एक मतलब आप मतलब जादू ही कर देते हो बाई योर इम्प्रेशन यू कैन से बाई योर एक्सप्रेशन बाई योर बॉडी लैंग्वेज बाई योर स्किल्स बाई योर नॉलेज आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में भी बहुत सारे पार्टीज फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ एक ग्रुप गेट टुगेदर्स फन एक्टिविटीज जो कुर्बानी आप दे रहे हो करेंटली इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स ओके बार बार तितली 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 बहुत ज़्यादा तितली सो ओल्ड वेज जो पुराने तरकीब थे पुरा, पुराने टेक्निक्स थे उसको बिल्कुल आप वर्जित कर देंगे और नया नया टेक्निक्स आजमाएंगे नया नया प्रोसेस आजमाएंगे नया नया आप डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि क्यों कर रहे हो आप डेवलपमेंट क्योंकि आप न्यू टेक्निक्स को यूज कर रहे हो एक सिंपल टेक्निक जो है यू आर जस्ट यू नो वट आप एक एल्केमिस्ट के तरह है ठीक है क्यों आप एल्केमिस्ट के तरह है क्योंकि आप ऑर्डिनरी चीजों को लेकर काम करोगे और वो एक्स्ट्रा बनने वाला है आप में भी आपका अगर बिजनेस अगर आप इन फ्यूचर में स्टार्ट करने जाओ सो हो सकता है कि बहुत ही जीरो इन्वेस्टमेंट में आप बहुत कुछ प्रॉफिट वहां से निकल के लेके आओ बिकॉज ऑफ योर स्मार्ट आइडियाज आज मैं एक ब्लॉग देख रहे थे इट वॉज नॉट अ ब्लॉग इट वॉज अ शॉर्ट्स जहां पे दिखाई दे रहा था कि एक देवता है मे बी इट वॉज ऑफ़ द साउथ आई फॉगोट द नेम ऑफ द डीटी एक्चुअली वो डी टी बने हैं जिन्होंने बनाया था आज शायद वो नहीं है उस भगवान की जो स्टैचू है बेसिकली इट इज़ मेड आउट ऑफ यू नो पॉइजनस मटीरियल बट जब वो मिल जाते थे जब वो मिले हुए हैं उससे जब वो वो करते हैं ना उनका चरणामृत जो बोला जाता है बहुत सारे डिवोटीज आते हैं इवन जो नॉन बिलीवर्स है वो भी आकर्षित होते हैं और वो चरणामृत या जो पानी उनको दिया जाता है पीने के लिए वो स्टैच मतलब वो भगवान के जो स्टैचू है उसको वॉश करने के बाद उनको नहाने के बाद जो पानी निकलता है वो एक मेडिसिनल पर्पज़ पे यूज होता है तो आप अब जानो पॉइजनस चीज़ भी कितना ज़्यादा काम में आ जाता है आप जानते ही हैं यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा करके स्टार बन रहा है यू विल सी दिस इज एक्चुअली द स्टार दिस इज द स्टार दैट इज फॉर्मड सो बेसिकली जब मैं इस चीज का बात कर रही थी और यहाँ पे देखो एक स्टार ही यहाँ पे आया है सो यू हैव टू बिलीव इट एनी हाउ दैट आप एक ऑलरेडी स्टार सीड है आप स्टार बनेंगे इन द फ्यूचर मेनी थिंग्स ठीक है बहुत सारे स्टारडम जो है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आप फेस करेंगे और अगर आप सही रहे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप मिनिमाइज कर सकते हैं बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लगातार कोशिश आपकी स्ट्रगल्स पुराने तरीके को हटा देना नया तरीके को आजमाना सो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू बिकम एन एल्केमिस्ट एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग मेनी पॉजिटिव फोर्सेज टूअर्ड्स यू आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा को ठीक है लेके आने वाले हो अपने ज़िंदगी में ओके okay. बहुत सारे लोग एक जगह पे घूमने जाएंगे मे बी इट इज़ पेरिस और समथिंग आई डोंट नो मे बी वहाँ पे बहुत क्योंकि स्टैचूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इधर तो आप कोई प्लेस में जाएंगे भगवान जी के दर्शन करेंगे आप अपने मजहब के देवता देवी के दर्शन करेंगे बहुत सारे लोग पुराने किले में जाएंगे फोर्ट्स में जाएंगे बहुत सारे लोग ऐसे पुराने जगह पे जाएंगे जहाँ पे एंशेंट ठीक है आर्किटेक्चर है उस चीज़ को देखेंगे नया कुछ सीखेंगे वहाँ पे शूट करने के लिए जाएंगे शूट मतलब शूटिंग ओके आई डू थिंक दैट समिंग टू कम वेरी क्लोज टू यू ठीक है वो ऐसा सोचते हैं कि आप पहले से नहीं रहे बट फिर भी वो आपके करीब आना चाहते हैं मे बी दिस इज और सम वन देर ट्राइंग टू कम नियर यू बट मे बी यू डोंट वॉन्ट देम या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है और राइट आई डू फाइंड अ बैग और पर्स सो बैग और पर्स जनरली सिग्निफाई करते हैं कि आपके जिंदगी में अगर पैसों की कुछ कमी है मैंने बोल रही हूँ गोइंग टू बिकम अ मिलियनर इन वन डे बट फाइनेंशियल शॉर्टेज अगर आपका है किसी भी तरह से उसका मेकअप हो जाएगा आपका एक न्यू बर्थ रीबर्थ मुझे दिखाई दे रहा है इसी जन्म में एक रीबर्थ मतलब आप शायद अपने आप को शायद पहचान नहीं पाओगे कि पहले आप कैसे थे आज आप कैसे हो एंड वंस यू ट्राई टू इवेल्यूएट आपको पता चलेगा कि आज आप कहाँ पे हो और आप पहले कहाँ पे थे योर स्टोरी इज गोइंग टू बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मेनी पीपल इन द फ्यूचर आपके जो एक हर एक इंसान की एक स्टोरी है सो so आपकी स्टोरी स्पेसिफिकली आने वाले समय में लोगों को बहुत इंप्रेस करने वाला है आई कैन सी द लेटर आई एल पी एच के टी एन वी एन वी बहुत ज्यादा करने वाले हैं लोग बहुत ज्यादा जिलेस होने वाले हैं। सो प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इविल स्पेल कोई यहाँ पे भूडू प्रैक्टिस जरूर करता है आपके कोई जान पहचान के या आप किसी के पास गए होंगे वू प्रैक्टिस कैन बी डन फॉर गुड रीजन्स ऑल्सो नेगेटिव रीजन्स ऑल्सो मुझे नहीं पता कि जो भी है किस वजह से वो कैसा कर रहे हैं आई डोंट नो बट डोंट ट्रस्ट पीपल बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखा इसलिए मैंने आपको कहा बिकॉज वू शायद आप प्रॉपरली नॉलेज जो है अगर आई डोंट डू एनी थिंग लाइक दैट वुडू जो करते हैं उसके पॉजिटिव भी होते हैं एनर्जीज नेगेटिव भी होता है किसी का भला भी किया जा सकता है अच्छा भी किया जा सकता है और बुरा भी किया जा सकता है सम प्लानिंग एंड प्लॉटिंग या स्कीम पर सफल नहीं हो पाएगा ओके और राइट थोड़ा यहाँ पे देखते हैं Basically, this is a lovely flower, right? Okay, yes, see. So, what's coming for you? Who is coming? What is coming for you? Wow, flower. सो पैसा फाइनेंशियल मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियली आपका चीज़ आप हैप्पी होने वाले हैं बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन आपका बहुत ज्यादा होने वाला है एंटरटेनमेंट आप फ्यूचर में करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं द चीज चीज एंड स्माइल गाइस ए चीज ठीक है cheese, cheese guys, cheese, आपका कोई हॉबी जैसा मैंने आपको कहा कुछ हॉबीज़ है कुछ एक्टिविटीज़ है जिसमें आप काफ़ी स्पेशलिस्ट हो उस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा फैलाने वाले हो उस चीज़ का उस आइडिया का आप सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले हो उस चीज़ से आप पैसा कमाने वाले हैं आपका मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे एंड आई डू थिंक सो दैट भले आपके आप एक एंटरटेनर भी बहुत अच्छा साबित होंगे अगर आप एक्टिंग प्रोफेशन में जाते हैं तो अगर आप कॉमेडी जोक्स क्रिएट कर सकते हैं तो सो so कहीं ना कहीं पे भी नाविडेज अगर आप ब्लॉग्स को देखो सो so ब्लॉग्स में कुछ कॉमेडीज भी है तभी जाके एक ब्लॉग एक मीनिंगफुल बनता है राइट सो बेसिकली यू हैव दैट क्रिएटिव साइड सो यू कैन डू दैट बेसिकली अगर आप कोई इंडस्ट्री में भी काम करने जा रहे हैं यू कैन बिकम अ वेरी गुड रिसर्चर यू कैन बिकम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट बहुत सारे जॉब्स ठीक है जिसमें काफ़ी बारीकी से डेटा को रिसर्च किया जाता है एनालिसिस किया जाता है ठीक है कंपनी में जो पुराने डेटा है पुराने जो रिकॉर्ड्स है रिकॉर्ड कीपिंग डेटा स्टोर कीपिंग उस तरह का जॉब्स आपके लिए बहुत अच्छा है एडमिनिस्ट्रेशन आई डू फाइंड यू शुड बी वेरी हैप्पी लेकिन आप जानते ही अगर आप एक एंटरटेनर है और आने वाले समय में आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे हो ये जान के रखिए कि हर एक पहलू का हर एक चीज का दो पहलू है एक डार्क साइड और एक वाइट साइड बेसिकली डार्क साइड भी हमारे जीवन में आएंगे ज़रूर लेकिन हम वो हमारे ऊपर आता है कि हम उस सक्सेस को कैसे हैंडल करें सो हैंडल योर सक्सेस वंस इट कम्स जब आ रहा है सक्सेस आपकी जिंदगी में खुश तो आप बहुत ज्यादा होंगे लेकिन उसको हैंडल करने के भी ताकत आप जरूर रखना सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग आईज आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव य लॉर्ड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड